हेलो एवरीवन एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देखा है यूपीएससी के सिलेबस के बारे में, दोस्तों इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको सामने एक पाइप दिख रही होगी। ये पाइप नहीं है, इस पाइप के अंदर यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस है। दोस्तों ये एक वॉल चार्ट है, इस वॉल चार्ट के अंदर यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस लिखा हुआ है और इस वॉल चार्ट को हम अपने दीवार पर चिपका लेंगे ताकि हम हमारी तैयारी को बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से पूरी कर पाएंगे। अक्सर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको ख़त्म करते वक्त हम भूल जाते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, कौन कौन से हमने छोड़ दिए हैं। और ये इसके कारण होता है क्योंकि हमारे पास में एक प्रॉपर सिलेबस नहीं होता है। सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से हम एक एक टॉपिक को रिवाइज़ कर सकते हैं, एक एक टॉपिक को देख सकते हैं, एक एक माइक्रो टॉपिक को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके इसको पाइप से बाहर निकाल के बताऊंगा, इसको फिर हम दीवार पे चिपकाएंगे भी खरी और इसकी क्वालिटी को भी देखेंगे किस हिसाब से इसके अंदर बना हुआ है। लास्ट में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसको आप बाय कैसे कर सकते हैं, इसका रिगार्डिंग मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। सो दोस्तों जिस वॉल चार्ट की मैं अभी बात कर रहा था उसको मैंने अभी बाहर निकाल के दीवार के ऊपर चिपका दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी क्वालिटी को, लाइटिंग के कारण हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत इसको क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको इसको ट्राई करूंगा कि एक बार जूम करके पास से भी दिखाऊंगा। बट ओवरऑल इसकी जो आप क्वालिटी देख पा रहे होंगे बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा शानदार क्वालिटी में वॉल चार्ट बना हुआ है यूपीएससी सिलेबस करके आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। एंड नाउ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर क्वालिटी है। एंड नाउ हम सबसे पहले सेगमेंट को उठे देखेंगे, वो है हिस्ट्री। दोस्तों अगर हम हिस्ट्री वाले टॉपिक में जाएंगे और अगर हम कहीं और जगह पर जाकर सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम देखे आपको दिखा दिया जाएगा, इंडस वाले सिविलाइजेशन दिखाया जाएगा, लेकिन उसके जो अंदर का जो टॉपिक है वो शायद आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एंड देन आफ्टर अगर आप इंडस वाले सिविलाइजेशन में जाएंगे तो भी यहाँ पे करीब 4 से 5 सब टॉपिक को दे रखा है। ऋग्वैदिक पीरियड में भी 3 से 4 सब टॉपिक को दे रखा है और ऐसे ऐसे करके इन्होंने पूरे सिलेबस को एकदम तरीके से तैयार कर रखा है। आप जैसा कि देखा पा रहा हूँ मैं आपको, जितना आप समझ पा रहे हो उसके आधार पे आप जान पाओगे। यहाँ पे करीब हम देखेंगे कि तो एंशिएंट इंडिया में इन्होंने करीब 12 टॉपिक दे रखे हैं और अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो ये करीब इस हिसाब से इतनी लंबाई है इसकी, पास से बहुत कम दिख रहा था बट काफ़ी ज़्यादा लंबा है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं पूरी एंशिएंट इंडिया से लेकर मिडिवल इंडिया तक कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है, इसको हम पास ला के देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा छोटा दिखता है, ये वो बात है। एंड नाउ हम अभी मिडिवल इंडिया के ऊपर आ गए हैं। मिडिवल इंडिया के जैसे कि आप सिलेबस देख पा रहे हैं मेजर डायनेस्टी से करके इन्होंने स्टार्ट कर रखा है, बाद में इन्होंने चोला और अदर जो साउथ इंडिया के किंगडम है उनके बारे में जानकारी दे रखी है, मुस्लिम इन्वेंशन के बारे में जानकारी दे रखी है, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी दे रखी है, स्ट्रगल ऑफ एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया इसके बारे में जानकारी दे रखी है और ऐसा करके इन्होंने मिडिवल इंडिया का सिलेबस कम्प्लीट इन्होंने तैयार कर रखा है। एंड लगभग इन्होंने मिडिवल इंडिया के सिलेबस को कम्प्लीट तरीके से तैयार कर रखा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई टॉपिक मिस किया है। आपको दिखने में छोटा दिख रहा होगा ये वॉल चार्ट के एक ही टॉपिक पे इतना सारा टॉपिक कैसे है, लेकिन मैं आपको जैसा कि अभी दूर से दिखाया था इसकी काफ़ी ज़्यादा जो दूरी है वो मैंने आपको तैयार करके दिखाई थी तो आपको पता चला था कितने ज़्यादा इन्होंने टॉपिक कवर कर रखे हैं। ये मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अगर हम मॉडर्न इंडिया में देखेंगे तो शुरुआत में इन्होंने एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी से इन्होंने स्टार्ट कर रखा है, पोर्टुगीज कंपनी के बारे में दे रखा है, डी अल्मीडा के बारे में जानकारी दे रखी है जो कि इनका एक गवर्नर हुआ करता था और ऐसे करके इन्होंने लगभग कंप्लीट टॉपिक को इन्होंने कवर कर रखा है। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया के बारे में जानकारी दे रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857 के बारे में जानकारी दे रखी है और ओवरऑल इन्होंने कंप्लीट मॉडर्न इंडिया को इन्होंने प्रेजेंट कर रखा है, जिसको मैं आपको डिस्टेंस के माध्यम से समझा पाऊँ तो कितना ज़्यादा है आप जान पा रहे होंगे ये। सो दोस्तों ये जो इन्होंने लगभग कंप्लीट टॉपिक को इन्होंने कवर कर रखा है, अगर मैं इसको मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पकड़ूंगा तो आप समझ पाओगे कि इसकी कितनी लंबाई है। सो नाउ इसके बाद में अगर मॉडर्न इंडिया को हम फिनिश करते हैं तो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट आता है वो होता है इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर की बात होती है। आर्ट एंड कल्चर में इन्होंने आर्किटेक्चर से शुरू करके इन्होंने लगभग काफ़ी टॉपिक को कवर कर दिया है, फिर उसके बाद में वापस से इन्होंने सब डिवाइड कर रखा है परफॉर्मिंग आर्ट करके। उसके बाद में जो इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं वो है रिलीजन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में जानकारी दे रखी है। उसके बाद में हम अगर आएंगे तो वो टॉपिक दे रखे हैं ये मिसलिनियस टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद में जो इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं वो आर्ट एंड कल्चर को ख़त्म करके ये ज्योग्राफी के ऊपर आ गए हैं। ज्योग्राफी के बाद में इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस दे रखा है। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद में हम वापस से अगर नीचे की तरफ आते हैं तो उन्होंने जो सिलेबस दिया है वो है ओशियनोग्राफी के बारे में सिलेबस इन्होंने दे रखा है। उसके बाद में जो हमारा सिलेबस है वो क्लाइमेटोलॉजी के बारे में सिलेबस इन्होंने दे रखा है। उसके बाद में इन्होंने बायो ज्योग्राफी के बारे में, उसके बाद में हम अगर आएंगे तो ह्यूमन
आपको जैसे कि अब दिख पा रहे होंगे, हाँ, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड के बारे में जानकारी दे रखी हैं। इसके बाद में इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी बता रखी हैं। इंडियन ज्योग्राफी के बाद में हम अगर ऊपर से वापस से नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको एक और टॉपिक दिखता है, वो है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी का टॉपिक दे रखा है। उसके बाद में इन्होंने इकोलॉजी इन्वायरमेंट का सिलेबस दे रखा है। सबको मैं डिटेल में नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद में इन्होंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में सिलेबस दे रखा है। उसके बाद में रिसोर्सेज मैं आपको जूम करके वापस से दिखा पाऊंगा। या सो ये है इन्होंने दे रखा है, ये रिसोर्सेज, ये डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। इसके बाद में इन्होंने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में जानकारी दे रखी है, क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकारी दे रखी है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के बारे में जानकारी दे रखी है। उसके बाद में जो जानकारी दे रखी है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस करके इन्होंने शुरू कर रखा है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके जो सन इसके अंदर की जानकारी दे रखी है। मतलब कि जो जितना बड़ा टॉपिक है उसको उन्होंने उतना ही सब डिवाइड किया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद में इन्होंने सिटीजनशिप के बारे में जानकारी दे रखी है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी दे रखी है। फंडामेंटल राइट के बारे में हम अगर आगे आएंगे तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के बारे में जानकारी दे रखी है, DSPC के बारे में जानकारी दे रखी है। और ऐसा करके इन्होंने लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस को एक बेहतरीन तरीके से कवर कर रखा है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये जो मैंने मंगवाया है वो मंगवाया है booknet.in से, जैसा कि आप जो साइट के ऊपर देख पा रहे हैं। अगर आपको इसको बाय करना है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इनकी साइट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन पूछा जाएगा वो है इसके एड्रेस को फिल करने का। आप वहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं, अपना नाम वगैरह डालेंगे, इसके अंदर आप लॉगिन हो जाइएगा ताकि आपको बाद में आप इसको ट्रैक कर पाएंगे, और बाद में आप इसको ऑर्डर करेंगे तो आपको करीब 6 से 7 दिन में आपके घर तक ये पहुँच जाएगा। इसकी जो रेट है वो भी आप साइट के ऊपर अभी आसानी से देख पा रहे होंगे, और काफ़ी आसानी से इसको आप बाय कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इनकी साइट के ऊपर मेंशन मिलेगी। ओवरऑल ये सिलेबस मैं दिखाऊं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इन्होंने बना रखा है, कोई कमी नहीं है। अगर आप UPSC के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको इस सिलेबस के माध्यम से काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। सो दोस्तों नीचे लिंक मिल जाएगी, तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में दोबारा, तब तक के लिए जय हिंद।